मध्य प्रदेश के सिवनी के प्रसिद्ध मठ मंदिर में कलाकार विक्की कश्यप ने जुगाड़ के कबाड़ से 15 फीट ऊंची भोलेनाथ की ऐसी अनूठी व सुंदर प्रतिमा का निर्माण किया है जिसकी हर कोई प्रशंसा कर रहा है, जो अब लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र बनी हुई है, जिसे देखने लोग दूर दूर से आ रहे हैं और सेल्फी भी ले रहे हैं। सिवनी के मठ मंदिर में भगवान भोलेनाथ की अनोखी प्रतिमा नगर के 15 युवाओं ने 40 दिन लगातार मेहनत कर तैयार की है। कलाकार विक्की कश्यप ने बताया कि कबाड़ी की दुकान और लोगों के घरों से इकट्ठे किए गए कबाड़, सब्जी के टूटे हुए कैरेट, बाइक कार के बोनेट, बम्पर, जेसीबी के पार्ट्स, स्टील की खराब जाली, वायर, पुराना लोहा, पुराने त्रिशूल का इस्तेमाल करते हुए यह प्रतिमा तैयार की है, जिसमें भोलेनाथ की सजीवता दिख रही है। इस प्रतिमा को बनाने में 20,000 रुपये का खर्च आया है। प्रतिमा का निर्माण के मुख्य कलाकार विक्की का कहना है कि कबाड़ से अब तक कहीं भी किसी ने भी इतनी बड़ी आकृति नहीं बनाई है। वहीं इस आकर्षक प्रतिमा को सोशल मीडिया में भी लोग पसंद कर रहे हैं और युवा कलाकार की सराहना भी कर रहे हैं। मैं पलारी से आई हूँ, मुझे पता चले यहाँ भोलेनाथ जी बने हैं। यूज नहीं होने वाली चीजों से जैसे प्लास्टिक के डब्बे और साइकिल की चेने, वायर वगैरह लोहे से बनी हुई है और मुझे बहुत प्यारा लगा, बहुत अच्छी बनी है, वो देख के अच्छा लगा। कलाकृति जो है हमारे समिति के सदस्य विक्की कश्यप द्वारा बनाई गई है, ये लगातार तीसरे वर्ष उनकी अनूठी कलाकृति बाबा भोलेनाथ की बनाई गई है, जो कि प्लास्टिक की सामग्री, लोहे और यूजलेस सामान, वायर, केबल और लोहे के कल पुर्जों द्वारा निर्मित की गई है, जो कि सोशल मीडिया में सबसे ज़्यादा वायरल अभी हो रही है। जिले के जितने भी आजू बाजू के जितने भी शहर कस्बे, जहाँ जहाँ आदमी को पता चल रहा है, इसको देखने के लिए 24 घंटे एक भाई रात तक भीड़ लगी रहती है। ये जो प्रतिमा हमने बनाई है, ये मठ मंदिर सिवनी में बनाई है। इसके पहले भी हमने 2 साल पहले बना चुके हैं, जिसको हमने लकड़ियों से बनाए थे और इसके पिछले साल हमने नारियल से बनाए थे सर, क्योंकि हम लोग कण कण में शंकर होते हैं। इसकी प्रेरणा लेके हमने कोशिश की एक बनाने की, कि शंकर भगवान की आकृति देने की कोशिश की और वो कोशिश हमारी सफल हुई और सफल होने के बाद सारी जगह फैल गई और बहुत से लोग आ रहे हैं देखने के लिए, दूर दूर से आ रहे हैं, काफ़ी वायरल हो रहे हैं। इसमें उपयोग हुआ है सर, हमारे सब्जियों के कैरेट हैं, लोहा है, प्लास्टिक है, वायर है, जालियां हैं, ऐसी अन्य चीज़ें हैं जिसको कुछ हमने खरीदा है कबाड़े से और कुछ सहयोग भी है और जमा भी किया है। दिन में जमा करते थे हम लोग और रात में हम लोग काम किया करते थे। लगभग हमको 40 दिन लग गए हैं बनाने में, जिसमें हमारे 14-15 भाई हैं साथ में, अभी कुछ खड़े हैं कुछ नहीं हैं, तो उन लोगों ने हेल्प की है मेरी बनाने में और बहुत खूबसूरती से निखर के आई और सारे लोगों को बहुत पसंद आ रही है। ग्रामीण भारत टीवी के लिए सिवनी से ब्यूरो रिपोर्ट। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।